लर्निंग के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा। इस वीडियो में हम यूनिट 12 सब्जेक्ट मैथ्स, जो कि गणित शिक्षण है हमारा और सब्जेक्ट कोड है 504, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना। यूनिट 12 जो कि है गणित शिक्षण, अधिगम के आकलन हेतु फॉलो अप या अनुकरण। तो इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गणित अधिगम के आकलन के पक्ष का आधार है अवधारणा और प्रक्रिया, गणित तर्क, गणितीय संप्रेषण या उपरोक्त सब। इसका आंसर है उपरोक्त सब। फिर हमारा अगला प्रश्न, गणित में आकलन की प्रविधि गणितीय अधिगम की कितनी विमाओं को शामिल करती है? तो ये 5 विमाओं को शामिल करती है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर समझ में आएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न, सुधारात्मक गतिविधियों के आधार क्या होते हैं, क्या होता है? व्यक्ति विशेष पर आधारित, अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों के अनुभव के आधार पर या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। फिर हमारा अगला प्रश्न, विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के परिणाम किनके लिए? अध्यापक, अभिभावक, संबंधित या सभी के लिए? तो इसका जो आंसर है वो होगा सभी के लिए। फिर हमारा अगला प्रश्न, समृद्धिकरण गतिविधि की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें है, उच्च स्तरीय सोच का समावेश हो, विद्यार्थी की शक्ति समृद्ध करने में सहायक, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन डी है, तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों, यानी कि जो समृद्धिकरण की गतिविधि प्रगति है वो उच्च स्तरीय सोच का समावेश हो और विद्यार्थियों की शक्ति समृद्ध करने में सहायक, दोनों ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न, आकलित परिणामों की उपयोगिता का केंद्र क्या है? कठिन समस्याओं को पहचान कर हल करना, सबल या निर्बल पक्षों की पहचान करना, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए तथा बी दोनों। फिर हमारा अगला प्रश्न, विद्यार्थी के गणित अधिगम के रिकॉर्ड हेतु आवश्यक है कार्य निष्पादन, अवधारणा, गणितीय तर्क या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी गणितीय अधिगम के रिकॉर्ड हेतु आवश्यक क्या है? गणितीय निष्पादन, अवधारणा और गणितीय तर्क। फिर हमारा अगला प्रश्न, विद्यार्थी को पृष्ठ पोषण उपलब्ध कराने के पहलू हैं परिणाम की सटीकता, ईमानदारी, सहत्वपूर्ण तथा उत्साहवर्धक तरीका या उपरोक्त सभी। तो जो इसका भी आंसर होगा उपरोक्त। फिर हमारा अगला प्रश्न, रिकॉर्डिंग का आधार क्या नहीं है? पक्षपात, निष्पक्षता, परिणामित करना या निरंतरता। तो पक्षपात नहीं है रिकॉर्डिंग का आधार। फिर हमारा अगला प्रश्न, अधिगम के आकलन की तकनीक है पोर्टफोलियो व परियोजना, परियोजना व अभ्यास, अवलोकन व अभ्यास, उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारी अधिगम के आकलन का तकनीक है वो है परियोजना व अभ्यास। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और ये हमारे गणित शिक्षण जो कि 504 था उसके भी एमसीक्यू का आखिरी वीडियो था। अब हम एक संयुक्त वीडियो जिसमें हम सारी यूनिट से लेके एमसीक्यू बनाएंगे, लगभग 50 से 100 क्वेश्चन तक हम उसमें डालने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए ये आपको यूनिट वाइज है, फिर हम आपको मिक्स करके भी एक वीडियो बना के उपलब्ध कराएंगे जल्द ही। यहाँ पे हमारा ये वीडियो तो समाप्त होता है, लेकिन यदि आप हमें किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए। यदि हमारे नॉलेज क्षेत्र में वो आता होगा तो हम ज़रूर उसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे।